और ये रियाजुद्दीन एम्पायर और ये दूसरे एम्पायर कैसर वहीद। शोएब अख्तर पहली बॉल, ऑस्ट्रेलिया में पुल किया, फील्डर मौजूद और आउट। पहली ही गेंद पे विकेट हासिल की शोएब अख्तर ने, जबरदस्त स्पाइस बॉल किया आसिफ को शोएब अख्तर ने। कभी बहुत कम होता है कि पहला ही बॉल बाउंसर किया जाए और शोएब अख्तर ने ये बाउंसर किया, टॉप एच करते हुए बॉल सीधी फाइनल के फील्डर के हाथों में और ये एक जबरदस्त स्टार्ट हुआ शोएब अख्तर की साइड को। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बाउंसर करेंगे क्योंकि दो स्लिप उन्होंने प्लेस की हुई थी, मगर बड़ी वेल डायरेक्टेड बाउंसर जिसको खेलने गए प्रॉपर टाइम नहीं कर सके और आउट हुए तो बगैर कोई रन बना के आउट हुए। शोएब अख्तर एक दफा फिर अच्छी बॉल, आउट होने का खतरा और लगता है कि कल का दिन दोबारा रिपीट हो रहा है जिस तरह से एवर के मिस द होल लाइन्स के अब्दुल रजाक ने पहली दो गेंदों के ऊपर दो विकेट ली थी और कुछ ऐसे ही आज भी हो रहा है कि शोएब अख्तर ने पहली दो गेंदों के ऊपर ही दो विकेट ले ली है एंड ही इज ऑन हैट्रिक। एक्शन रिप्ले अब्दुल रजाक और शोएब अख्तर का, जबरदस्त कैच था, फर्स्ट स्लिप की तरफ जा रहा था, विकेट कीपर ने पूरी कमिटमेंट के साथ डाइव करते हुए कैच लिया और जबरदस्त सेलिब्रेशन शोएब अख्तर की। यही वजह है कि इस टूर्नामेंट की शान है कि ऑल द इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आर डूइंग सो ग्रेट। अली वकास भी बगैर कोई रन बना के आउट हुए, कोई रन नहीं, दो खिलाड़ी आउट, नए बैट्समैन कप्तान मिसबाहुल हक। अब ये देखना होगा आतिफ के क्या कमिट इनको क्लब पॉलिसी बनाते हैं, दोनों एक्सपीरियंस बैट्समैन है मिसबा और हफीज। और अटैक करते हुए एक और फील्डर ले आए हैं स्लिप में, तो तीन स्लिप में फील्डर्स मौजूद। शोएब अख्तर भरपूर अटैक करते हुए मिसबाउल हक पे और उतने ही अच्छा खेले। इससे पहले भी अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी प्रेशर सिचुएशन से मिसबाउल हक गुजरे होंगे, बड़े तहम्मुल के साथ उन्होंने इस गेंद को प्लेस किया और तीन रन हासिल किए। मोहम्मद हफीज अब तक बहुत अच्छा ओवर फेंका है कप्तान शोएब अख्तर ने। चावला एल्युमिनियम इस्लामाबाद लेपर्ड्स के कप्तान शोएब अख्तर, इन्होंने लास्ट मैच में भी आखिरी बड़ा अच्छा स्पेल किया था, दो विकेटें हासिल की थी। और मुश्ताक, जिस तरह से हमने देखा कि आज बहुत बड़ा अपसेट हुआ कि फाइव स्टार फॉर्म से आगे चलने सारी सेकेंड सेमीफाइनलिस्ट यही टीम थी। फिर पुल किया, फील्डर मौजूद और भी तीसरा नुकसान उठाना पड़ा। इस बार मोहम्मद हफीज जो कि बहुत शानदार खेलते हैं अपनी टीम फैसलाबाद वुल्व्स गनी ऑटोमोबाइल्स के लिए, आउट होके वापस लौटते हुए सोचा नहीं होगा शोएब अख्तर ने कि इस तरह का पहला ओवर जाएगा उनकी टीम के लिए। बिल्कुल जबरदस्त, एक दफा फिर उन्होंने बाउंसर किया और हफीज उसे कमिट कर चुके थे और अच्छा एंटिसिपेशन किया फील्डर ने, इस दफा रनिंग करते हुए आगे आए और कैच किया। एब्सोल्युटली ऑसम स्टार्ट फ्रॉम इस्लामाबाद लेपर्ड्स का और शोएब अख्तर पूरी सेलिब्रेशन करते हुए ये जबरदस्त स्टार्ट मिला। मोहम्मद हफीज कोई रन बनाए बगैर आउट हुए, तीन खिलाड़ी आउट तीन रन पे। तीन डक आपके सामने, आसिफ हुसैन, मोहम्मद हफीज, अली वकास, अजहर महमूद, एक्सपीरियंस मंजे हुए काउंटी क्रिकेट में आजकल बड़ी